गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड केक। उसके लिए यहाँ में मैंने आधा कप पाउडर शुगर ले लिया है, यहाँ में मैंने 3 चम्मच रिफाइन ऑयल ले लिया है। आप यहाँ में घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, मेरा ये मिक्स हो चुका है। मैंने यहाँ में आधा कप मैदा लिया है। अब हम इसको छान लेंगे। मैं यहाँ में 3 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये मेरा 3रा चम्मच है। मैं यहाँ में आधा चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। हम इसको मिक्स कर लेंगे। हम इसको अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड कर लेंगे। हम इधर पानी से हल्का हल्का मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ में पानी की जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इसको एकदम फ्लफी बना लेना है। देखिए इसका कंसिस्टेंसी। देखिए, मेरा बैटर तैयार हो चुका है। मैं आज केक कढ़ाई में बना रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ में नमक को ले लिया है, और यहाँ में मैंने नमक को पहले भी यूज़ किया है। मैंने यहाँ में स्टैंड रख लिया है। अब हम कढ़ाई को फ्री हीट कर लेंगे। अब हम ढक लेंगे इसको। हम यहाँ में तेल से ग्रीस कर लेंगे कंटेनर को। हम यहाँ पे एक पेपर ऐड कर लेंगे इसके अंदर। देखिए, मेरा ये ग्रीस हो चुका है। अब हम इसमें बैटर को ऐड कर लेंगे। मैंने बैटर को ऐड कर लिया है। अब हम ऊपर से गार्निश कर लेंगे ड्राई फ्रूट से। इसको हम ऐड कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स को। मैंने यहाँ में ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लिया है। अब हम टैप कर लेंगे। देखिए, मेरा कढ़ाई फ्री हीट हो चुका है। अब हम ऐड कर लेंगे अपना कंटेनर को इसके अंदर। अब हम बंद कर लेते हैं। मैं इससे ढक रही हूँ। इसको 30 to 35 मिनट्स के लिए पकाएंगे, और इसका फ्लेम हमें मीडियम में रखना है। मेरा ये 30 मिनट्स हो चुका है। अब हम खोल के देख लेते हैं ये पका है कि नहीं। देखिए, अब हम चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से पक चुका है। हमारा टूथपिक क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब। देखिए, ये बहुत स्पॉन्जी बना है, और ये बहुत टेस्टी बना है। देखिए, बहुत सॉफ्ट बना है ये। हम इसको ठंडा कर लेते हैं, इसके बाद निकालेंगे। मेरा ये बहुत स्पॉन्जी बना है। अब हम कट करके देख लेते हैं इसको। देखिए कितना स्पॉन्जी बना है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा।